मैम आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम कोमल है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और आपका इंटरव्यू कैसा गया मैम? हाँ, इंटरव्यू अच्छा गया। ओके, आपका ये जैसे कि आपने इंटरव्यू गया है, जैसे क्या माहौल कैसा रहा इंटरव्यू का? इंटरव्यू का मोड काफ़ी कॉर्डियल था, वो स्माइलिंग कर रहे थे, अब बोर्ड मेंबर्स काफ़ी कॉर्डियल था, अच्छा था, कॉर्डियल था। ओके, आपका ऑप्शनल और मीडियम क्यों है? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम था मेरा। इंग्लिश मीडियम था। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अगर हिंदी में आंसर देते कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ उस पर क्वेश्चन तो पुटअप नहीं करते? नहीं, ऐसा मुझे भी इतना पता नहीं, लेकिन मैंने इंग्लिश में ही किया था, मतलब प्रॉपर इंग्लिश में ही दिया। हाँ, इंग्लिश। ठीक है, उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन तो उन्होंने यही पूछा था कि आप प्रे कर रहे होंगे रिजल्ट को लेकर। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने पूछा आपके पेरेंट्स भी प्रे कर रहे होंगे, आपने कितने मॉक दिए थे। तो स्टार्टिंग में बस ऐसा कन्वर्सेशन था, इंटरव्यू बाद में स्टार्ट हुआ था। आपकी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, मेरी भांगड़ा मैंने हॉबी में रखा था, तो उन्होंने एक क्वेश्चन उससे पूछा था। ओके, आप एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने बीए प्रोग्राम किया है फ्रॉम रांडा हाउस यूनिवर्सिटी दिल्ली, और फिर मैंने मास्टर्स किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, ठीक है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा है आपने? ऑप्शन मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। ओके, आपने क्या सोच के सिलेक्ट किया और न्यू स्टूडेंट को क्या सोच के सिलेक्ट करना चाहिए? ऑप्शनल के लिए मैंने सेल्फ स्टडी किया था, तो मुझे कुछ ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था जो मैं खुद से प्रिपेयर कर सकूं। और एंथ्रो एज अ स्टैटिक सब्जेक्ट है, सिलेबस भी थोड़ा लिमिटेड रहता है, और मेरे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे, तो फिर मैंने इसीलिए एंथ्रो लिया। ओके, आपने सेल्फ स्टडी किया, किसी कोचिंग से हेल्प ली? जीएस के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन ऑप्शन मैंने सेल्फ स्टडी से किया। ओके, अगर प्री की बात की जाए तो आज के टाइम में बोले सी सेट काफ़ी टफ होता जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और आपका इस बारे में क्या कहना है कि सी सेट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए बिगिनर्स को, स्टार्टअप कैसे करना चाहिए? सी सेट के लिए आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, और उसमें भी आप स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लीजिए कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है सी सेट के पेपर में। तो मेरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सही था, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस दिया था, और मैंने कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी काफ़ी अटैम्प्ट करे थे। ओके, अगर बात की जाए मेंस की, तो मेंस में आंसर राइटिंग जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको कितना समय लगता था एक आंसर लिखने में, और लास्ट टाइम पे कितना आपने उसमें टाइम को कम किया? मेंस के आंसर राइटिंग मैंने स्टार्टिंग से कर दी थी कि डेली एक दो आंसर लिख लेती थी, तो मॉक में ऐसा था मॉक टाइम देते टाइम फुल लेंथ टेस्ट, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस रह जाते थे। okay. लेकिन फिर धीरे धीरे वो कंप्लीट होने लग गए थे। ओके, यूपीएससी में एनसीईआरटी बुक्स का क्या रोल रहता है? एनसीईआरटी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन कुछ के लिए ऐसा है कि स्टैंडर्ड बुक्स ज़्यादा रेफर करें तो बेटर है। लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत अच्छी है एनसीईआरटी के कंपैरिजन में, लेकिन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी अच्छी है। ओके, करंट अफेयर के लिए बेस्ट रिसोर्स क्या लगता है बच्चों के पढ़ने के लिए? न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। फिर उसके बाद मंथली मैगजीन्स कोई भी इंस्टीट्यूट की रेफर कर सकते हैं। ओके, वो भी हेल्पफुल है। ओके, कई सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना और क्या छोड़ना उनको कई बार समझ नहीं आता, तो उनके बारे में आपको टिप्स देना चाहेंगे उनको? उसके लिए यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी अच्छे से पढ़ना चाहिए, और याद हो सके तो ज़्यादा बेटर है, ताकि न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम समझ आ जाए कि ये टॉपिक कौन से पेपर में कौन से टॉपिक से पूछा जा सकता है, तो वो हेल्पफुल रहता है। ओके, मेंस में जब आंसर राइटिंग हम लिखते हैं उसमें क्या पॉइंट्स ऐसे ऐड कर सकते हैं? सबके पर्सनल एक तरीका होता है, तो आपका क्या तरीका था आंसर राइटिंग में कुछ पॉइंट्स ऐड करने? स्टार्टिंग में सोच रही थी थोड़ा डाटा से रेफर कर लूँ, तो फिर मैंने उसके लिए थोड़े शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, और डेफिनेशंस भी ज़्यादा बेटर रहता है कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने में, तो बस यही था, और थोड़े बहुत डायग्राम भी इंकॉर्पोरेट करने थे आंसर्स तो उसमें करने चाहिए। यस। ओके, यूपीएससी की जर्नी काफ़ी लॉन्ग होती है, आप उस बीच में अपने मोटिवेट अपने आप को कैसे रखें? हाँ, काफ़ी लॉन्ग जर्नी होती है, लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा मैं कहूँगी डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप डेली कंसिस्टेंसी रखिए और टारगेट्स सोच लीजिए कि वीकली इतना टारगेट है, मंथली इतना टारगेट है, बस वो अचीव कर लीजिए बस। Okay. अभी आपको बी प्लान होना कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको यूपीएससी की जर्नी में? प्लान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इस एग्ज़ाम में। Okay. तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग से एक प्लान भी लेके चलिए, और ये सोच के चलिए कितने आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट्स देने हैं यूपीएससी में। अच्छा। ताकि आप बाद में प्लान बी पे शिफ्ट हो सकें। Okay, अभी आपकी सर्विस में है या स्टडी कर रही है? नहीं, अभी मैं स्टडी कर रही हूँ। Okay, तो बिगिनर्स के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहें आप? यूपीएससी का सिलेबस, पीवाईक्यूज एंड मॉक प्रैक्टिस करते रहिए हर स्टेज के ऊपर, बिकॉज मॉक प्रैक्टिस काफ़ी हेल्प करती है एक्चुअल एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच मैम।